अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल ऑल आर फाइन। हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने नेक्स्ट उसके ऊपर सेशन के ऊपर जो है फिजिक्स का चैप्टर। सही, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स इन एक्शन। सही है। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके और थोड़ा सा और जो है यानी डेप्थ में जाके हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि क्या है फोर्स, क्यों हम यूज फोर्स का यानी यूज क्या है हमारी डेली जिंदगी में, क्यों हमारी इतनी ज्यादा जरूरी है फोर्स। सही है। बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स है पुश या पुल, किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना, इसको फोर्स कहते हैं। मैं कहती हूँ ना, अप्लाई करें किसी भी चीज पे फोर्स, तो आप क्या करोगे, या तो उसको धक्का दोगे या उसको अपनी तरफ खींचोगे। तो ये दोनों क्या चीजें हैं? ये फोर्सेस है। तो फोर्सेस की सबसे आसान डेफिनेशन क्या है? पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्सेस। सही है। पुश करना किसी चीज को या पुल करना, दोनों फोर्सेस है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो इसको हम फोर्सेस बोलते हैं। सही है। इसके अंदर आपकी बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई है कि द बिलडोजर इज अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुश द अर्थ। सही है। अर्थ का मतलब यहाँ पे बेसिकली मिट्टी को बोला है। नेक्स्ट है, द पॉटर इज अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू द क्ले टू चेंज इट्स शेप। अच्छा, फोर्स को हम किसी भी चीज़ के लिए हम क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्स का मकसद क्या होता है, हमें क्या एडवांटेज हो रहा है फोर्स से। बेसिकली फोर्स को जब हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, या तो फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है या वो अपना शेप चेंज कर लेती है। सही है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं आपके हाथ में क्ले दूँ, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें यानी उसको दबाएंगे, दबाएंगे यानी आप उसको पुश और पुल दोनों फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है। जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो अपना शेप चेंज कर देगा। इसके अलावा अगर यहाँ और एग्जाम्पल दूँ, मैं बोलूँ आप डेस्क को पुल करो। सही है। अपनी तरफ खींचो या पुश करो। सही है। तो ये दोनों आप क्या अप्लाई करोगे, बेसिकली डेस्क के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, और बाय द अप्लाइंग फोर्स क्या होता है कि हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये शेप चेंज हो जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मेजरिंग फोर्स। अक्सर ये वाली बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हम कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं कि जिसको मेजर ना किया जा सके। कुछ होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी तरीके से मेजर हो रही होती है लाजमी। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, आटा चावल वगैरह वो सब किलो में आपको मिल रहे होते हैं। सही है। इसी तरीके से फोर्स को भी हम ऐसे ही नहीं छोड़ते कि फोर्स को हम मेजर ना कर सके, ऐसा नहीं है। हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। फोर्स को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, इसके लिए जैसे हमारे पास पानी को मेजर करने के लिए हम लीटर यूज़ कर रहे होते हैं, ML यूज़ कर रहे होते हैं, आपने बॉटल्स वगैरह पे लिखा हुआ देखा होगा, गैलन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ये यूनिट्स हैं बेसिकली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम फोर्स को मेजर करेंगे तो इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन में। सही है। दैट इज इंडिकेटेड बाय N। ओके। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं किसी फोर्स को, तो वो स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी शो की हुई है, ये जो नीचे की साइड पे बुक मौजूद है, ये वाला, इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ को हैंग कर देते हैं जिसका हमें फोर्स मालूम वगैरह करनी होती है। सही है। तो जब जितनी फोर्स अप्लाई होगी उस हिसाब से ऊपर की साइड पे ये जो एन लिखा हुआ है ना यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा उसका मतलब ये कि वो उतना ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है इस स्प्रिंग पर। सही है। अगर वन मैं बोलूंगी फोर्स के वन न्यूटन है, इसका मतलब है कि बहुत कम की बात कर रही हूँ। अगर मैं 10-11 न्यूटन की बात करूंगी तो आप लोग समझ जाओगे कि बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। सही है। कम डिजिट हो यानी लोएस्ट डिजिट मतलब कम फोर्स अप्लाई हो रही है, लार्जेस्ट डिजिट मतलब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। सही है। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू वर्ड्स इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन और एट रेस्ट अनलेस इट एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स। यानी कि बॉडी की अपनी रेस्ट पोजीशन में रहना जबकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही हो। सही है। उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। यानी इनर्शिया कहते हैं कि हम उसके ऊपर फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करे चले जा रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद है कि जो उसको अपने ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करने दे रही। सही है। नाउ मूव टू वर्ड द फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बेसिकली अगर बिल्कुल उर्दू जबान में हम बात करें कि फ्रिक्शन क्या है, तो बेसिकली फ्रिक्शन इज अ रगड़, सही है, किसी भी चीज़ को जो रगड़ होती है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अब है क्या कि फ्रिक्शन किसी भी दो साइड्स के बीच के अंदर मौजूद होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि ऊपर की साइड पे एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, जब मैं उसको धक्का दूंगी तो वो क्या होगा कि वापस से, यानी उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, वो मेरी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। तो यानी रगड़ की वजह से किसी भी चीज़ का मूव ना होना, इट्स कॉल्ड द फ्रिक्शन, सही है। बेसिकली फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में मैं किसी भी चीज़ को मूव कर रही हूँ, लेकिन फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी कि उसको वापस उसकी अपनी पोजिशन पर लाने की कोशिश कर रही होगी, सही है। इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक जो स्लाइड पे लिखा है मैंने एक दफ़ा वो भी रिपीट कर देती हूँ, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है किसके दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान, दैट आर स्लाइडिंग, जो स्लाइड कर रही हो एक दूसरे के ऊपर। स्लाइडिंग का ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही यानी स्लाइड की तरह से हो, हम ज़मीन की भी बात कर सकते हैं, सही है। अब क्या होगा कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट साइड पर, मगर फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन उसको राइट साइड के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगा और उसको अपोज करेगा कि मैं उस साइड पर उस चीज को ना लेके जा सकूं, सही है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव, सही है। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या क्या है हमारी जिंदगी में। द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड ग्राउंड स्टॉप यू फ्रॉम स्लिपिंग। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन जो हमें फ़ायदा पहुँचा रही है किस तरीके से दे रही है कि हम जो शूज़ और ग्राउंड के दरमियान अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, यानी थोड़ी सी रगड़ मौजूद ना हो, तो क्या होगा कि हम स्लिप कर जाएंगे, सही है। तो ये स्लिप होने से हमें बचा लेती है। आप लोगों ने अपने जो शूज़ होते हैं कभी भी वो फ्लैट नहीं होते, ये चीज़ नोट की होगी आप लोगों ने, कभी भी वो फ्लैट नहीं होते, थोड़े से उनके नीचे जो है ग्रूव्स बने होते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी सी गड्ढे टाइप होते हैं, सही है। उनका काम क्या होता है बेसिकली कि वो फ्रिक्शन पैदा कर रहे होते हैं और आपको गिरने से बचा रहे होते हैं, सही है, वो ग्रिप पैदा कर रहे होते हैं बेसिकली, सही है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स हेल्प कार टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड। इसके अलावा फ्रिक्शन हेल्प कर रही होती है कि हम गाड़ी अगर रोड पे चल रही तो ये ना हो कि वो स्लिप कर रही हो, सही। इसके अलावा फ्रिक्शन आपको यहाँ तक के लिखने में भी मदद कर रही होती है, सही, जब तक रगड़ पैदा नहीं होगी। इसके अलावा फ्रिक्शन की अगर आप डेली लाइफ में यूज़ देखें तो फ्रिक्शन का एक यूज़, जैसे आपने देखा है ना कार्टून्स वगैरह में कि उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं और फिर वहाँ पे आग जल जाती है, सही है। तो फ्रिक्शन की वजह से इस तरीके से रगड़ने से वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है, सही। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। एडवांटेजेस हमने पढ़ी, अब डिसएडवांटेज ये है कि अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ होगी तो क्या होगा कि मशीन्स वगैरह भी चलने में इशू करेंगे। इसकी एग्जांपल आपको तब समझ में आएगी जब मैं आगे थोड़ा सा वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगी, सही है। फ्रिक्शन इसके अलावा आपके अक्सर जो शूज के सोल होते हैं उसके अंदर भी हमारे डैमेज कर देती है फ्रिक्शन, क्योंकि कंटिन्यूसली किसी चीज़ की रगड़ की वजह से क्या होता है वो सोल डैमेज हो जाता है। एनीथिंग दैट वुड यू वुड लाइक टू स्लाइड ईजिली वुड वर्क बेटर विदाउट फ्रिक्शन, सही है। आप अगर फ्रिक्शन होगी तो कोई भी चीज़ आप स्लाइड करना चाहोगे, मूव करना चाहोगे, वो ईजिली मूव नहीं हो सकती। नाउ वी टॉक अबाउट द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक लुब्रिकेशन होता है और एक स्ट्रीमलाइनिंग होती है, सही है। लुब्रिकेशन में क्या होता है बेसिकली कि लुब्रिकेशन बोलते हैं कि जैसे अक्सर आप लोग बाइसाइकल्स वगैरह यूज़ करते हो या कार्स वगैरह में हम ग्रीस लगाते हैं या ऑयल डाल रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो हम क्यों डालते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल बेसिकली होता है। उसका काम ये होता है कि जो कंटिन्यूसली फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है ना हमारे इंजन के अंदर, उसकी वजह से हमारा जो हमारी गाड़ी है वो नहीं चल रही होती, तो ये इसकी उसको ख़त्म कर देती है, यानी फ्रिक्शन को कम करके और इसको स्मूथ रनिंग में ले आती है, सही है। उसके बाद स्ट्रीमलाइनिंग
इसका मतलब होता है कि पॉलिशिंग कर देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कार्स के ऊपर पॉलिश हुआ हुआ होता है, तो बिल्कुल पॉलिश स्क्रीन करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या है, हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ग्रेविटी एक फोर्स है कि जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, जो हर चीज़ को टूवर्ड्स द अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, सही है। हम कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकें तो वो ज़मीन के ऊपर ही आके गिरती है, हवा में नहीं रह जाती, कहीं और नहीं गिरती, सही है। तो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, जो दिखाई भी नहीं देती है और इसके अलावा अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रही होती है। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होती है कि जो किसी भी चीज़ को बैलेंस करके रखें, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो उस टाइम पे बैलेंस है। अगर हम अपने आप को स्कूटी वगैरह पे रन कर रहे हो तो उस टाइम पे हम इम्बैलेंस होते हैं। इवन हम जब मोटरसाइकिल भी चला रहे होते हैं तो उसको भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, सही है। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम गिर जाएंगे, सही। यानी बेसिकली बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स दोनों एक साथ एक्ट कर रही होती है उसको बोलते हैं बैलेंस। अगर दोनों फोर्सेस बिल्कुल अलग अलग हम वो कर रहे हो, यानी एक साइड की फोर्स गलत अप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ की गलत, तो उस टाइम पे हम अनबैलेंस होके और गिर भी सकते हैं, सही है। अब बात करते हैं मास और वेट की। मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास जो है, मास क्या है, बॉडी में जितना मैटर मौजूद है उसको मास बोलते हैं। वेट क्या है, ग्रेविटी का जो एक्ट मास पे हो रहा होता है उसको हम वेट बोलते हैं, सही है। मास चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं हो सकता, वेट चेंज हो जाता है, सही है। अगर क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी से लेंगे। आपको पता है हमने सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में पहले पढ़ा था कि हमारी जितनी भी ओवरऑल प्लैनेट्स हैं उनके अंदर हर प्लैनेट का अलग अलग उन सब प्लैनेट्स की अलग अलग ग्रेविटी होती है, सही है। किसी कुछ है, किसी कुछ है। जैसे हमारी अर्थ की अप्रोक्स 10 होती है, 9.8 होती है, वैसे 10 रखते हैं आप लोग, सही है। इसी तरीके से हम जुपिटर मार्स वगैरह पे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। मून में आपने देखा है लोग उड़ रहे होते हैं, बेसिकली वो हमारे हिसाब से ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन उनके पास एक अपनी ग्रेविटी मौजूद होती है, सही है। तो ग्रेविटी का एक बॉडी के ऊपर हो रहा होता है उसको हम वेट बोलते हैं, उसके बाद जो हमारे पास निकलता है। अच्छा, मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में वेट मेजर करते हैं, वेट को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपका छोटा सा टॉपिक सिंपल मशीन का। सिर्फ आप लोगों को थॉट दी हुई है कि सिंपल मशीन होती क्या है। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन का मतलब ये नहीं होता कि हर डिवाइस जो बिजली से चलती हो वो मशीन है, ऐसा नहीं है। मशीन सिंपल भी होती है विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एनीथिंग, सही है। मशीन का बेसिकली जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी चीज जो हमारे काम को आसान बना दे उसको हम मशीन बोलते हैं। मशीन की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लिवर होती है, लीवर, सही है, LEVER, लिवर। इसका काम क्या होता है कि ये किसी भी चीज को लिफ्ट करने में हेल्प कर रही है, यानी उठा के इधर से उधर। अक्सर यानी जो सीसॉ है बेस्ट एग्जाम्पल है लीवर के। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एफर्ट, फलक्रम और लोड। लोड क्या है, कोई भी वजन जो आप एक तरफ रखो। एफर्ट क्या होती है, जो अप्लाई यानी उसके ऊपर लग रही होगी। फलक्रम मिड पॉइंट को बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा जो लिवर है वो रोटेट कर रहा होगा, सही है। आपका ये वाला चैप्टर यहीं तक कंप्लीट हो गया, बहुत शॉर्ट था, और कोई भी क्यूरी हो कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।